चलिए अपनी पाकशाला में हम बनाते हैं घर पे जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं 100 ग्राम जीरे का पाउडर बना रही हूँ और इसके साथ ही हमने 50 ग्राम काली मिर्च ली हुई है। तो चलिए अब हम इन्हें तवे पर सूखा भून लेते हैं। भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, मीडियम आंच पे, जब तक ये थोड़ा सा तड़क जाए तभी तक इसे भूनना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं अब। और जब तक हमारे जीरे ठंडे हो रहे हैं इसके साथ हम काली मिर्च भी भून लेंगे, क्योंकि काली मिर्च काली है इसलिए समझ में नहीं आता है भूनी या नहीं, इसीलिए इसे भी ज़्यादा देर नहीं भूनना है। इसकी भीनी सी खुशबू आने लगे और इससे भी हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही चीजें ठंडी हो गई हैं। तो चलिए पहले जीरा पीस लेते हैं जी मिक्सी में। हम इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारा जीरा पाउडर रेडी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च भी इसी तरह पीस लेंगे और इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साफ सुथरा काली मिर्च का पाउडर एकदम तैयार है। वैसे तो सारे पाउडर मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें कभी कभी कचड़ा और मिट्टी निकल आती है, इसीलिए मैं तो इन्हें घर पर ही तैयार करती हूँ। इस तरह आप किसी भी पाउडर को घर पर स्टोर कर सकते हैं।